देखिए ये हो गया कुलदीप जी का घर, कुलदीप का, और ये है बेबी देवी का घर, जिस बेबी देवी के ऊपर आरोप है कि उनसे अवैध संबंध था। बाकी हम बेबी देवी से भी बात करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या सच में बेबी देवी यही सामने जो है ये बेबी देवी है, और इससे जो है कुलदीप का अवैध संबंध के बारे में बताया जा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं कुलदीप इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपका? बेबी देवी। आप ही हैं? आपके ऊपर आरोप है कि कुलदीप से आपका अवैध संबंध था? जी सर, जो बोलेगा वही होगा। नहीं नहीं, आप जो आप सही बोलिए, सही बात क्या है सर? यही है, माँ बाप मेरा जो है ना, मेरा मम्मी जिंदा था, हमको बाहर नौकरी, मेरा पति बाहर में खड़े, बोला मेरा घर का आदमी उसका बाहर पति खड़ता है, ये छोटा है, जो घर का इज्जत है, साथ जाएंगे गाड़ी से घर पहुँचाएंगे, इसको छोटे से 15 साल तो नहीं, 8-9 साल से इसको साथ में रखे सर, थोड़ा बहुत माँ बाप भी पढ़ाया, थोड़ा भी हम पढ़ाए, साथ में रख के डॉक्टरी भी सिखा दिए सर, कुछ सुई दवाई हुआ झोलटम, कुछ मेडिकल भी परसाम चलिए मेरे साथ, परसाम मेडिकल हम छोड़ दिए हैं, ऑक्सीजन खरीद के दिए हैं, बीपी मशीन खरीद के दिए हैं, जे बेटा जियो अपना कमा, हमसे रखने से माँ बाप जिंदा था, तब बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, ये पूरा था खदा, ये टूटल था। नहीं सुनिए, हम आप बात को नहीं घुमाइए, आप जो हम आपको सवाल पूछ रहे हैं वो आप जवाब दीजिए। हम शुरू से अंत तक नहीं, आप सुनिए, आपके आपको जो है कई बार पकड़ा था उसकी पत्नी, आपके ऊपर पंचायत भी हुआ था, यहाँ सामाजिक रूप से पंचायत हुआ था, इसमें क्या होना चाहिए सर? समाज है, घर के लोग पूर्व पूछना भी चाहिए। देखिए उसको रखे पर पंचायत हुआ था कि नहीं हुआ, लेकिन आपको साथ में पकड़ा था कि नहीं? नहीं, आदमी पूर्व होना चाहिए, बोला तो बोला नहीं, जब बोले जो गवाह देना चाहिए घर में आदमी है ना, तो बोला नहीं, माँ आंख जो जब देखे तो घर में गोतनी है ना, बगल में चिकरते थे ना, हमको झटकी पिटाई करते थे ना, तो ये बोला नहीं हम अकेले देखे, तो बात तो सब समाज बोला, जब पंचायत हुआ था आपके ऊपर? हुआ। कई बार हुआ? एक बार हुआ। बोल रहे तीन बार हुआ? नहीं एक बार, समाज भी बोले एक बार हुआ। सुनिए, नहीं सर सुनिए, क्या बोले आप सर? इसको जो ना पंचायत हम एक बार करके गए कि समझा बुझा दिए कि हम सोचे अब मामला सलट जाएगा, मेरी बेटी है घर में उसमें, लेकिन क्या हम बात को आगे बढ़ेंगे, उस पर आवेदन भी किए हैं इस पर, लेकिन अच्छा सलामत बढ़िया से रहने लगा तो हम छोड़ दिए। लेकिन तीन बार इसको पकड़े थे साथ, कौन पकड़ा था? वो निशा देवी पकड़ा था इसको। क्या सही बात है ना? सही है बात, हम सही मानते हैं सर, लेकिन प्रूफ चाहिए, घर में गोतनी है, दियर है, उससे छोटा भी दियर है, प्रूफ होना चाहिए, मगर घर परिवार को प्रूफ होना, तब उनको जो फांसी हो जाए सजाए, हम दियर को रखे सही में। आप कुलदीप को मारे हैं? नहीं। कैसे डेथ हुआ उनका? हम मार पीटने गए, मारते तो सर उसको शादी विवाह अपना 1.5 लाख खर्चा, इस बोला मेरा बेटा ना है, वो बहन समझ के शादी जब लगाए ना सर, नहीं सासू माँ के पूछे, नहीं दरदियात के पूछे, अपना मर्जी से बेटा समझ के उसको 18 साल में उसको शादी किए, काहे में परेशान होते हैं, ड्यूटी जाते हैं, एक गोतनी घर में रहेंगे तो मैं सहारा होगा ये खाना भोजन के लिए, यही के लिए उसको बहन बना के शादी किए, बोला जब शादी लगाते 1 साल पहले से हमसे बातचीत किया सब माँ बाप, बेटी मानो तुम मेरा बेटी है, एक ये हमसे एक उधार कर दो। कुलदीप कैसे मरा? कुलदीप मोरा सर हम नहीं था, कहाँ थे आप? हम जो है खाना उना बना के बाड़ी में जलावन वाला वहाँ थे, झरना उना समट रहे थे, हम सोचे जाएंगे गोरफान, तो वहाँ इधर झगड़ा हो रहा था। किसे झगड़ा हो रहा था? दोनों पत्नी में, पति पत्नी में, अब क्या चीज, देखिए सर हम थोड़ा थोड़ा मालूम है, लड़ाई झगड़ा के बारे में बोल देते आप सारा चीज उगलेंगे, मेरा बेटा इतना छोटा है सर, रात में मछली बनाए, मछली के बारे में झगड़ा हुआ सर, हम आप सारा व्यायाम बोलते हैं, मैं छोटा बच्चा है, बचपन से दे लगा है तो चाचा अंकल तो बोलबे करेंगे, वो खा रहे थे मछली भात, तो मेरा बेटा गया चाचा हमको दोन पीसे बोलता है, तो कटोरी में जो है ना एगो पीस दिया, थोड़ा चावल दिया, वो खा लिया, तो क्या बोला हम मैंने खेलिए ना, दीदी खेलक या तू दूसरा के बच्चा का बांट दहा, दूसरे के बच्चा तोरा मुँह में आग देता, तो दूसरे के बच्चा तोरा मुँह में ऊँक देता, दूसरे के बच्चा द्रंडी के बच्चा खाती तू पीस, देखिए सर बच्चा तो भगवान होता है, तो वही के लिए कुलदीप ने उसके हाथ से कटोरा छीन के अंगना में फेंक दिया, बोला कि जो तुरे चलते हम इतना इतना अति होता है, उसको फटकार के भगा दिया, इसको गाली सही में दिया, हरमजादी बुरची, बच्चा तो बच्चा न है, बच्चा तो समझता न है। कुलदीप गया कैसे इस दुनिया से, सो हमको बताइए। वही झगड़ा के बारे में झगड़ा हुआ हम समझ गए, झगड़ा पति पत्नी में हो रहा तो वही गाली उली दिया, दोनों में गाली चलने लग गया, रंडी को बच्चा करता है उसको बर्दाश्त नहीं गया, जो हुआ लग है 2 साल से 3 साल से बार बार उसको रंडी क्यों बोलते हैं, उसको नौकरी छोड़ दिया, उसके काम छोड़ दिए, तो हर वक्त अब हम जाते हैं अपना काम से आप सौंपते हैं गलत बात में, उसी के लिए मर्दना है, गलत बात बोलेंगे सर तो उसको बुरा लगेगा, तो वो जा रहे थे अपना काम, सर हम समाज लोग से पूछना चाहिए, जब हम अपना देवर के साथ जाते हैं कि हम अकेला
जाते। नहीं, कुलदीप का डेथ कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ था? डेथ हुआ कैसे हम तो नहीं था, लेकिन दोनों झगड़ा किया वहाँ जत्ता था, बोला नहीं हम रहेंगे नहीं, बार बार हमको टर्च होगा गलत बात का, हम जिंदगी में नहीं रहेंगे नहीं, हमको ये बोलेगा रंडी इधर जाते हैं उधर जाते हैं। सर उसको सब दिन ही सब बर्बाद कर दिए, पंचायत बैठा के इज्जत बर्बाद किए, केस मकितमा भी दो बार केस किया, हम उसको जेल से हटा लिए सर, उसको जाने नहीं, सोचे उसको माँ बाप ने कौन छड़ाएगा, हम सब दिन से रखे सर, उसका कोई नहीं पीठ पर हाथ देने वाला, सब दिन एक ईश्वर संजा पर ही सब जानते हैं पिता परमेश्वर। यानी आपका कहने का मतलब है कि कुलदीप अपने से जो है आत्महत्या कर रहा है? अपने से गया, दोनों बकवास करते करते बोला करिया मोर न जो रंडी खाती मर भी कि हमरा खाती मर भी, ये बोला बोला अब रंडी से कोनो बकवास हुआ है, गुस्सा से क्या किया जत्ता लिया फटेक लिया, ये ठरा ये बोल रहा है कि नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है करिया, इतना ही बेकूफ हरानी है, पति को 2 साल से मारने के लिए चाहते हैं, केस करके चल गया मायके, जब गए थाना पर तो बोला आने के लिए तो क्या बोला सर को कोरिया के अंदर करेंगे तब हम जाएंगे वहाँ, तब सर से बोला छोड़ दीजिए उसको जहाँ माया लागे, हम दिक्कत हुआ तो हम देवर के लेके पहुँचे वहाँ, समाज को बैठा करके हम अपना पैसा खर्चा इसको बिदागरी करके लाए थे, प्रूव है वहाँ के समाज यहाँ के समाज प्रूव है, तो मेरा देवर चल गया, मेरा मुँह में खून है सर, उसका क्या है यार कल ब्याह कर लेंगे सर, उसका कोई भरोसा अभी तक नहीं, पति के पति माने हैं, पूछ सकते हैं मेरा बड़ा भैंसूर है, ससुर है वो है बड़ा भैंसूर सब है, पूछ सकते हैं अभी कितना हम गुजरे हैं वो देवर के साथ, हर मुसीबत उसको बचाती, बार बार बेटी का आते लेके भाग गए, बेटी के लेके भाग जाते, बेटी के लेके बार बार जमाए को जमाए नहीं बुझे सर, आपके साथ उनका गलत संबंध नहीं, नहीं सर नहीं, एक ही काहे आपके ऊपर बार बार आरोप लग रहा है? आरोप यही के लिए मेरा बच्चा उसका दे लग गया, बच्चा जाते थे क्यों बच्चा आते हैं, उसका मेरा बेटा से जलन था, उरंडी को बच्चा हम कहते हैं हटने के लिए, हम तो नहीं सर 2 साल से नहीं टोकते हैं, नहीं उसे पता है सर। चलिए देखिए बेबी देवी का भी स्पष्ट रूप से ये कहना है, बेबी देवी के ऊपर जो आरोप है, हाँ बोलिए स्टॉप कीजिए, हाँ बात सुनना चाहते हैं, हाँ। जो बात बोला है तो हम भी शुरू से बताएंगे, ठीक है, आप सब सबसे फर्स्टे बात लीजिए कि वो बोला कि उसका क्या है, वो बोला उसका क्या है, आज रहेगी कल चले जाएगी, उसका पति है, वो उसका कौन था, क्या बोला सर, जन्मा हुआ बेटा सर, क्या था इसका जन्मा हुआ बेटा, इसको दर्द है, उसका पति है उसको दर्द नहीं है, नहीं सर ये बोलता जत्ता उठाया तो पकड़ा नहीं, बेकुबरान रामी झपट के नहीं पकड़ा, जब छोड़ दो बोला नाटक करता है कोरिया, नाटक करता है रामी, हम रहते सर 2 बार राइफल हम बचाए, क्या करते थे क्या किए, जब शादी करके लाए लड़का सबसे, सुनिए मेरा बाबुल डामना है, कल दे सकते हैं गवाह, बाबुल डाम मेरा बेटा है जोता बगल में, जब शादी करके लाई हम अपना मन से सर किए शादी, कोई नहीं था किसी की बात नहीं थे, हम अपना शौक से 1.5 लाख खर्चा करके शादी किया, उसी टाइम में ये क्या बोला मेरा बेटा नया कमाने वाला नया, बेटी तुम उधार कर दो, मेरा बहन सिस्टर रहता है वहाँ, सिस्टर की शादी लगाए थे जी, हम शादी ब्याह एक भी तिलक नहीं दिए सर, एक इतना खर्चा किया है सर, एक जो गाड़ी दिया गाड़ी आज तक नहीं बैठने दिया, ही हरामी बोला के गए गलत गाली गाली उली में हमको तेज चढ़ता है सर, मेरा आदमी 2 साल कर्जा तोड़ने में लग गए, मेरा आदमी सब आदमी घर में रहता है, आज तक 2 साल मेरा आदमी कर्जा तोड़े हैं, आपका पति कहाँ बाहर में रहता है सर, वही कर्जा भाई के चलते 3 बार एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट गाड़ी से जा रहा पूछिए एक्सीडेंट जी 2 लाख टका हम कूद लगाए सर, पूछ सकते हैं अभी तक मेरा पति, मेरा पति बाहर में रहते थे, क्या हमको हेल्प नहीं कर सकते हैं जाने आने में, वही के लिए गलत बुझा, बोला क्या रंडा रंडी आवे छी होटल में खाए खाए, ये तो आवे छी देना करा करे छी, हम जाते पेशेंट के पेशेंट को खिलाते हैं कि हम अपना पैसा खाते, हम भी खाते हैं इसलिए बम्पर लेके आते, सोचे मेरा गोतनी है मेरा एक लिए बच्चा है, हम उसके लिए बम्पर लेके आते लिट्टी लेके आते, बोलिए सच्चा धर्म से हमको दे जाते हैं, लेकिन एक इस बार उसको अच्छा नहीं होगा। देखिए आप कौन है कौन है आप हाँ? हम जो परिवार में मेरा छोटा चाचा जी का पुतहु है, अच्छा। आप मेरा पिताजी सबसे पैग है, अच्छा। आई भैयारी में 15 भैयारी सब मिला करके आप तो 14 भैयारी सबसे पैग हम ही है,
हम एक बचपन से यहाँ पर देखे कि बच्चा एक बच्चा से पोसा है उसको, पोसा है। और यदि उसके साथ यदि प्रेम रहता तो वो शादी ब्याह नहीं करता सर। अच्छा, तो अपने साथ में रखता हूँ, यदि उसके चलते शादी ब्याह कराया। पा रहा है कि जो इससे पहले पर पंचायत भी हुआ, इसको पकड़ा, इसको देखा। साथ में ले जा रहा था, देवर था तो मोटरसाइकिल चलाने वाला, तो ले जा रहा था हॉस्पिटल, उसको पहुँचा रहा था। पंचायत यहाँ पे जो हुआ था उसमें थे? हाँ हाँ थे। क्यों हुआ था? वो जबरदस्ती बोला की ऐसे है, ठीक है अब ऐसे नहीं होगा। हाँ के बाद बोलना भुकना बंद कीजिए। अपना अब दिन से आप लोग बजा बुकी नहीं कर रहे? दो साल से कुलदीप से बजा बुकी नहीं नहीं, नहीं। फोन से भी बात नहीं करते? नहीं, फोन का कॉल डिटेल्स निकालेगा, निकाला जाएगा। सुनिए ना, कॉल करते थे जब घर का आदमी था, हम रात बिरात होते, भाई नहीं था उसका। सोच क्या है, सात भाई में हम घर में रहते हैं, मेरा भाभी जाते हैं, मेरा भाभी दुश्मन है, क्या है नहीं, भाभी कहाँ है, तेरा बच्चा रो रहा है, आइए जल्दी आई आई बात। घर का जाता नहीं पूछ सकते हैं सर, नहीं पूछ सकते हैं। जाने में पैदल जाने में बरसात में गाड़ी छोड़ देते, वहाँ से पैदल आते। हाँ, तू कहते अच्छी बच्चा रुबे छो। बेबी से कुलदीप के संबंध गलत रहे की? हाँ, गलत सब दिना, गलत सब दिना, गलत रहे सब दिना। हाँ, बहन छे कुलदीप के? हाँ, सही सही बात बोलू, हाँ सब बराबर बराबर छे। हमरा लिए समाज हमरा लिए बराबर रहे। हम आज भी खोलबे आँखों को लोग आदमी डर से नहीं बोले से कोनो बात, डर से नहीं बोल रहे। हम कहिए हम छिपे लिए तो ये होले की कभी नहीं समझलिए बेबी के कुलदीप के कि तुरार के क्या भोजा देवर में गलत संबंध पत्नी के साथ किया रहे छी। वह हम समझावे रहिए, जब तू आप अब बिहार करिए लेलो तो अपना अपना अपनो घर रहियो, अपन घर रहते जना आदमी प्राणी चले छे वना चलते, अपनो पति पत्नी के देखते घर में सब कुछ जोड़ के आनि के देते, हल्ला गुड़ा रोज रमचन्ना नहीं बढ़िया होइ छे काम। तो बोला कि से ई कुटनी है, दोगली है, यही है। क्या बहन है? हम तीन बहन है, एक बहन यही रहते हैं। और कहाँ एक बहन आपका? ना वो ससुराल में। ननद और का, और ननद कहाँ है? चल गए सब, ननद ठीक था। डेढ़ साल में तीन बच्चा पैदा किया है, एक बच्चा खराब किया है, एक बच्चा किया खराब, यही खराब हुआ आपने। एक बच्चा इसको दिया है 5 महीना का है, सुने दिया है। एगो बड़ा बच्चा है, पड़ा पक्षी लड़ रहा था, जो बोलता ही वो बलता ही दोनों। एक क्या बहन है? आपको ननद क्या है? तीन गो है। कहाँ है दो ननद? दो ननद सामने गए हैं सर। वो बोला क्या ननद, उसको बोलाएंगे वहाँ भी जा सकते हैं, मेरा पैसा खर्चा होगा सर। दो ननद जो होगा वही होगा। इसको समझाइए दोनों बहन, तू ककरो पक्ष नहीं बोल, तू भोजाए सबके रह, हमर भोजाए गलत छे सही छे। भाई के बिहा बहन करलको, भाई के एक लूर सिखलको, उतना डॉक्टरी उतना सिखलको, बहन सिखलको, हमरा लिए हमर भाई लिए उधार करलको। बार बार इसको बहन समझाए थे, बोला कि बहन का कुटनी सब आबि जाए छी, तू देखे छी। बोला वो जो बच्चा दिया है, अपन बच्चा दिया है, वही के लिए उसको लिए मीठा है सर। नहीं झूठ भी बोलता है, समझिए बहुत बोलता है, सुनिए पागल सब कर दिए हैं डेरा में। सुनिए हमारे कहानी, यानी आपके भाई का जो मर्डर हुआ है, भाई जो आपके खत्म हुए है, उसमें उसमें दोषी बेबी देवी को आप मानते हैं? हाँ, बेबी देवी दोषी। हाँ, सुनिए ना, तो हम तो की कर लगे मलकले मलकले गला होते रहे, जाता जाता उठा के सिर पर पटक ललके। क्या पटक लगे? पटकल के क्या पटक लगे? पटक लगे आपने किया? किया ककड़ा चलता किया, पटक लगे किया? भौजा के चलता, भौजा के चलता। हाँ, बदनामी करे बार बार, सब नौकरियों खटबावे रहे, ऊपर से लैतो मुका दे रहे, सब चीज ओकरा परिवार का मारे रहे, तब ना ना भला। बहन समझावे रही रात दिन जाना रामचंद्रा कहने होय छे, तो हमे खराब भए गेलिए, हमे दोगली भलिए कुटनी भलिए सब, लेकिन बढ़िया भए गेले। चलिए यहाँ पे दो बात निकल के सामने आ रहा, निशा और उनके और माता पिता, और निशा की जो है एक ननद है जो कुलदीप की बहन है, वो स्पष्ट रूप से ये बता रही है कि कुलदीप का संबंध गलत था बेबी देवी के साथ, जो बेबी देवी आशा कार्यकर्ता है। और आशा कार्यकर्ता बेबी देवी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि वो मेरा छोटा देवर था, उसको हम छोटा से साथ में रखे थे और उसकी शादी भी हम करवाए थे, बाकी कई बार एक्सीडेंट हुआ उसमें हम उनका खर्चा दे के उनको सही भी करवाए थे। आशा देवी यह स्पष्ट रूप से कह रही है कि अवैध संबंध का जो मामला है वो गलत है, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि जांच अगर सही तरीके से हो तो इसमें दोषी कौन है, तो स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि कुलदीप जो इस दुनिया में जो नहीं है उनका दोषी कौन है, आखिर कुलदीप आत्महत्या क्यों किया है, इसका दोषी कौन है, बेबी देवी है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या फिर और कोई। बाकी ये जाँच का विषय जरूर है, बेबी देवी का कॉल डिटेल्स का जाँच किया जाएगा तो उसके स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि बेबी से कुलदीप का बातचीत क्या होता था, कितना बात होता था और क्या बात होता था, वो स्पष्ट रूप से पता चलेगा। और जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि एक 26 वर्षीय कुलदीप इस दुनिया में जो नहीं है, आज उसकी पत्नी कैसे रहेगी,
उसकी छोटी बेटी है, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या बेबी देवी दोषी है या फिर और कोई दोषी है कुलदीप के मर्डर? हम मर्डर कहेंगे, आत्महत्या तो जरूर किया है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं उसके ऊपर टॉर्चर किया गया था, उनको मानसिक रूप से परेशान किया गया था, इस वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद सर।